सो स्टूडेंट्स, टू स्टडी अबाउट प्लाज्मोलाइसिस वी मस्ट स्टडी अबाउट द एक्टिविटी 5.6। ये प्लाज्मोलाइसिस को समझाती है ये एक्टिविटी 5.6, ठीक है ना। तो उसमें क्या करेंगे पढ़ते हैं। माउंट द पील ऑफ अ रियो लीफ इन वाटर ऑन अ स्लाइड एंड एग्जामिन सेल्स अंडर द हाई पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो देखिए, रियो जो होता है एक प्लांट होता है। इस प्लांट की पत्ती को लिया जाता है और उसको उस पत्ती में से ना एक हम पील निकालते हैं, ठीक है ना। पील का मतलब होता है छोटी सी लेयर, मेम्ब्रेन, उसमें से निकाल लेते हैं पत्ती में से। पत्ती को तोड़ते हैं और उसकी अपर मेम्ब्रेन हम निकाल लेते हैं, इसको हम बोलते हैं लीफ पील। इस लीफ पील को हम कहाँ रखते हैं, स्लाइड पर, और एक ड्रॉप ऑफ वाटर डाल करके उसको देखते हैं। हमने इसमें कोई भी स्टेन नहीं डाला है, हमने कोई भी स्टेन नहीं डाला है। क्यों? बिकॉज क्या होता है, जो रियो प्लांट होता है, रियो प्लांट की जो लीफ होती है उसमें पिगमेंटेड सेल्स होते हैं, यानी कलरफुल सेल्स होते हैं। तो हमें उसके अंदर पिंक कलर का पिगमेंट सेल के अंदर ऑलरेडी मिल जाता है, तो सेल को देखना उस पिगमेंट की वजह से आसान हो जाता है, तो इसलिए हम स्टेन नहीं करते। तो हमने ये किया कि हमने पील निकाली और उसको माइक्रोस्कोप में देखा, तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें सेल्स दिखाई देंगे बहुत सारे, और उन सेल्स के अंदर हमको क्लोरोप्लास्ट भी दिखाई देंगे। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, दे आर ग्रीन सब्सटेंसेस विच कंटेन क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये सेल ऑर्गेनेल है, सेल का पार्ट है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। अब क्या करोगे आप, आपको बहुत सारे सेल्स दिखाई दे रहे हैं, तो फिर आप क्या करोगे, उस पील के ऊपर आप एक ड्रॉप डालोगे शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन। अब ये बताओ, ये शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसंट्रेटेड होगा, तो यानी ये कैसा होगा, हाइपरटोनिक होगा, ठीक है, हाइपरटोनिक। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वाटर का कंसंट्रेशन कैसा होता है, लो। तो यानी सेल के बाहर, सपोज ये सेल है, सेल के बाहर कैसी कंडीशन है, लो, तो अंदर कैसी है, हाई। तो फिर क्या होगा, वाटर विल मूव फ्रॉम हाई टू लो। तो पील के ऊपर अगर आपने शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन डाला तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, द सेल्स विल श्रिंक। वेट फॉर अ मिनट एंड ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप, व्हाट डू वी सी, वी विल सी द सेल्स विल शो द, अब एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पर सेल श्रिंक नहीं होगा, बिकॉज सेल ना सेल वॉल से बना हुआ है, तो सेल वॉल तो अपनी जगह पर रहेगी, तो श्रिंक क्या होगा, श्रिंक होगा सेल मेम्ब्रेन। तो इसको तुम क्या कहोगे, व्हेन सेल वॉल स्टेज एट इट्स प्लेस एंड सेल मेम्ब्रेन श्रिंक्स, आप इसको बोलते हो प्लाज्मोलाइसिस, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो दिस इज द प्लाज्मोलाइसिस, मतलब इसमें हमें क्या दिखा, इसमें हमें दिखा कि व्हेन द सेल्स ऑफ रियो लीफ आर एक्सपोज्ड टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, देन वी सी दैट द सेल मेम्ब्रेन विल रिमेन एट इट्स प्लेस बट द सेल सॉरी द सेल वॉल विल रिमेन एट इट्स प्लेस बट द सेल मेम्ब्रेन विल श्रिंक अवे फ्रॉम द सेल वॉल एंड सो वी ऑब्जर्व द प्लाज्मोलाइसिस। ओके, अब क्या करो, इन्हीं रियो लीव्स को आप क्या करो, बॉइल कर दो वाटर में, ठीक है ना। इससे क्या होगा, सेल का जो सरफेस है वो गड़बड़ हो जाएगा, सेल वॉल डिस्टॉर्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अब सेम आप काम करो बिल्कुल जो इससे पहले किया था, आप उसकी पील निकालो और उसके ऊपर फिर आप शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन डालो, ठीक है। अब क्या प्लाज्मोलाइसिस होता हुआ आपको नज़र आएगा, तो आंसर होगा नो, बिकॉज सेल में वाटर का मूवमेंट होना रुक जाएगा, बिकॉज द सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड द सेल वॉल इज नाउ डिस्टॉर्टेड बिकॉज ऑफ द हीट, वाटर की वजह से, हीट की वजह से जो सरफेस है वो ख़राब हो गया, तो वाटर का मूवमेंट अब नहीं होगा, तो वी विल नॉट सी प्लाज्मोलाइसिस। सो इससे हमने ये सीखा दैट ओनली लिविंग सेल्स एंड नॉट डेड सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो हमें ये समझ में आ गया कि जो सेल्स लिविंग हैं वही प्लाज्मोलाइसिस शो करेंगे, और प्लाज्मोलाइसिस किसकी वजह से है, ऑस्मोसिस की वजह से ही तो है, वाटर के मूवमेंट की वजह से ही तो है। तो लिविंग सेल्स तो शो करेंगे, बट जो डेड सेल्स हैं दे विल नॉट शो। और सेल्स डेड कब हो गए थे, जब उसको आपने हीट किया था। तो लास्ट पार्ट पढ़ते हैं इसमें, सेल वॉल्स का रोल है ना। अब सेल वॉल्स जो होते हैं ये परमिट करते हैं प्लांट्स को, फंजाई को और बैक्टीरिया को टू विदस्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया। मतलब ये सेल वॉल्स हैं जिसके कारण
प्लांट सेल, फंजाई और बैक्टीरियल सेल हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडियम में आसानी से रह सकते हैं विदाउट बस्टिंग। अब सोचो ना, एनिमल सेल को अगर आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दो तो क्या होगा, बाहर अगर एनिमल सेल के बाहर WH है ना, और अंदर WL है, तो क्या होगा, पानी अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा ऑस्मोसिस से, तो क्या होगा इसका एनिमल सेल का, इट विल बस्ट बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन बस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर सिमिलर कंडीशन में हम प्लांट सेल को रखें तो क्या होगा, प्लांट सेल के पास क्या है चारों तरफ, सेल वॉल, और बिकॉज ऑफ द सेल वॉल क्या होगा, द सेल स्वेल्स बिल्डिंग अप द प्रेशर ऑन द सेल वॉल एंड द वॉल एग्जर्ट्स इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वॉलन सेल। तो जैसे जैसे सेल का साइटोप्लाज्म बड़ा होता चला जाएगा पानी के अंदर आने से, वैसे वैसे सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल पर प्रेशर क्रिएट करेगी, और उतना ही प्रेशर सेल वॉल लगाएगी सेल मेम्ब्रेन पर, और फिर पानी का अंदर आना रुक जाएगा और सेल बर्स्ट भी नहीं होगा। बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स सच सेल्स कैन विदस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम देन द एनिमल सेल्स। इसीलिए प्लांट सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स, फंगल सेल्स आसानी से हाइपोटोनिक मीडियम में एग्जिस्ट कर पाते हैं, रह पाते हैं, और ईजिली अपने आप को मेंटेन रख पाते हैं बिकॉज उनके पास सेल वॉल होती है। इस वीडियो में इतना ही।